नमस्कार, सिटी अपडेट लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरीश यादव। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सी फ्रीज से, जहां पर जिले में सर्किट हाउस रोड के सामने स्थित शराब की दुकान के सामने सड़क पर कार में बैठकर शराब पीना दो युवकों के लिए भारी पड़ गया। मौके पर पहुंची यातायात पुलिस ने युवकों को लताड़ लगाते हुए कार को क्रेन से उठवाकर यातायात थाना भिजवा दिया। मामले में यातायात ने धारा 185 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है। कार को अब न्यायालय से ही गाड़ी छुड़वाया जाएगा। दरअसल पचोर के काली पहाड़ी निवासी कार मालिक सोनू गुप्ता अपने एक दोस्त के साथ कार में बैठकर शराब पी रहा था, तभी यातायात की नजर पड़ गई और शराब पीना महंगा पड़ गया। देखिए पूरी रिपोर्ट। सर, कल जो रात को कार में बैठे दो युवकों द्वारा शराब का सेवन किया जा रहा था, क्या कुछ ये पूरा मामला था? ये अभी अभियान चल रहा है, जो भी लोग दारू पी के वाहन चला रहे हैं, जो भी लोग सड़क पर सार्वजनिक स्थल पर दारू पी रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान के तौर पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमारे द्वारा लगभग 25 लोगों पर ट्रैफिक के द्वारा कार्रवाई की 185 की, जिसमें 2.5 लाख रुपये जुर्माना भी वसूला न्यायालय के द्वारा। कल ऐसा ही एक मैटर था जिसमें लोग शिकायत कर रहे थे कि कलारी के पास कुछ लोग गाड़ियों में बैठ के शराब का सेवन करते हैं। तो मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो बिल्कुल सही था पाया गया कि कुछ लोग गाड़ी में बैठ के शराब पी रहे थे, जो कि सार्वजनिक स्थल पर नहीं पी सकते और ये नियम विरुद्ध भी है। उसके बाद उनको गाड़ी को टो करके क्रेन मशीन से थाना यातायात लाया, 185 कार्रवाई की गई है। और मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि आप जितने भी लोग जो शराब पीते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, उन सबके खिलाफ सख्त से कार्रवाई की जाएगी और एनआरए प्रकरण बनाएंगे। ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर खबर से आप अपडेट रहें। धन्यवाद।